हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आपने आज तक सुना होगा कि खूबसूरती बहुत अच्छी होती है, मगर कभी नहीं सोचा होगा कि खूबसूरती कितनी खतरनाक हो सकती है। इसका बड़ा उदाहरण इतिहास की एक घटना में दर्ज है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उसका मार्गरेट गिर्तोइदा है। मार्गरेट गिर्तोइदा जेले जासूसी की दुनिया का सबसे मशहूर नाम है। साल 1917 के 15 अक्टूबर को जेले को फायरिंग स्कट के सामने खड़ा कर गोलियों से भून दिया गया था। इस दौरान एक किस्सा है, फायरिंग स्कट के सामने हरी को खड़ा किया गया तो उसको आंख बंद करने को कहा गया, मगर उसने ऐसा करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने सामने गोलियां दागने को तैयार जवानों को फ्लाइंग किस भी दिया। इन्हें जेले को माता हरी के नाम से भी जाना जाता है। मार्गरेट गिर्तोइदा को करीबन 50,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। साथ ही जर्मनी के लिए जासूसी करने का भी आरोप था। दरअसल मार्गरेट गिर्तोइदा फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान पेरिस में एक डांसर और स्ट्रिपर के रूप में मशहूर थी। इस वक्त में एक देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करने का काम शुरू किया था और मार्गरेट के लिए यह काम आसान होता और अपनी अदाओं के जरिए। इसी के चलते जर्मन के प्रिंस समेत कई प्रभावशाली लोगों के साथ माता हरी के संबंध थे। मार्गरेट गिर्तोइदा ने इंडोनेशिया में तैनात नीदरलैंड की शाही सेना के एक अधिकारी से शादी कर ली, जिसके उनका वक्त जावा में गुजारा और वह एक डांस कंपनी में शामिल हो गई और अपना एक नया नाम माता हरी रखा। मगर साल 1907 में अपने पति को तलाक दे दिया, पेशेवर डांसर के रूप में पेरिस चली गई। इसी दौरान फ्रांस की सरकार ने माता हरी को पैसों के बदले जासूसी करने के लिए राजी किया था।